उस बाप से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अरे तुझे अगर तुझे औरत से इतनी ही नफ़रत है तो फिर बता ना जिस से तूने शादी की है क्या वो औरत नहीं थी वालेकुम वालेक व बरकातहू बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हुआ है ये बात सुनकर जो मियाँ वाली के अंदर एक बाप ने अपनी सात दिन की बेटी के ऊपर जो वो फायर खोल दिए उसको फ़ायर मार दिए क्या उसके हाथ जो वो ज़रा भी नहीं कांपे क्या उसको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि वो अपनी बेटी के साथ किसी और के साथ मामला करे तब भी गलत बात है लेकिन अपनी बेटी अपनी जिगर के टुकड़े के ऊपर उसने फायर खोल दिए क्या उसको रब का खौफ नहीं आया क्या उसको ये काम करते हुए खौफ नहीं आया कि प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन औरतों के हकूक मुकरर फरमाए हैं उन बेटियों को तो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था इस्लाम से पहले ज़माने जाहलीत के अंदर जब यार आकाश सल्ला वसम तशरीफ़ तो लाएँ उससे पहले औरतों के अंदर क्या म होते थे पाँव की जूती समझा जाता था ना बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे आज यही मिसालें जो है ये शख्स कायम कर रहा है कि उसने अपनी बेटी को जो है वो सात दिन की बच्ची को उसने जो है हज़रत मोहम्मद मुतफ़ा सल अल्लाह ती ने अपनी बेटी को ये बात कह कर पूरी दुनिया इस्लाम को ये पैगाम दे दिया कि बेटी को गैर चीज़ नहीं होती बेटी को ज़िंदा कर देने वाली चीज़ नहीं होती प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि फ़ातमा जो मेरे जिगर का टुकड़ा है आज हम इस्लाम मानने वाले हैं हम आज मुसलमान हैं तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि एक बेटी को जो है वह फायर मार के बंदा जो है वो कत्ल कर दे अल्लाह तबारक का वा वाली ऐसे बाप से भी महफूज़ फरमाए बड़ा दुख हुआ इस वाक़े को सुनकर हाथ कांपते हैं हमारे हमारा दिल काम जाता है पूरा जिस्म हमारा कामता जब हमने यह ख़बर सुनी है लेकिन क्या उस बाप का जो है वो दिल नहीं कांपा उसके हाथ नहीं कांपे कि अपनी बेटी के ऊपर उसने फ़ायर खोल दिए उस बाप से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अरे तुझे अगर तुझे औरत से इतनी ही नफ़रत है तो फिर ना जिस से तूने शादी की है क्या वो औरत नहीं थी वो किसी की बच्ची नहीं थी वो किसी की बहन नहीं थी वो भी तो किसी की थी ना तूने उसके साथ शादी की है लेकिन आज तेरे घर में बच्ची हुई बच्ची की विलादत हुई तो है बच्ची तो रहमत होती है आज तूने उसको कत्ल कर दिया तुझे जरा भी शर्म नहीं आई